वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। तो सब लोग कैसे हो, सब लोग बढ़िया हो ना? ठीक है, अच्छी बात है। ओके, तो पिछली क्लास में मैंने आपको तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम को स्टार्ट करवाया था। ठीक है, उसमें मैंने जो नर्वस सिस्टम में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसको पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया है। उसमें हमने कल क्या पढ़ा था, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ओके, तो हम पढ़ रहे हैं मानव तंत्र, यानी कि चैप्टर नंबर 2 है मानव तंत्र, ह्यूमन सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। ओके, कल मैंने आपको तंत्रिका तंत्र पढ़ाया था, तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम। ओके, इसको मैंने दो भागों में विभाजित किया था। एक तो होता है केंद्रीय नर्वस सिस्टम, केंद्रीय नर्वस सिस्टम यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जो दूसरा भाग होता है वो होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को मैंने दो भागों में विभाजित किया था, यानी कि इसके दो अंग होते हैं। एक तो होता है मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, और दूसरा होता है मस्तिष्क यानी कि ब्रेन। ठीक है, तो मस्तिष्क को अगेन मैंने तीन भागों में आपको बांटा था, अग्र मस्तिष्क यानी कि फोरेब्रेन, मध्य मस्तिष्क यानी कि मिड ब्रेन, और तीसरा होता है पश्चिम मस्तिष्क यानी कि हाइंड ब्रेन। ओके, और इसके बाद क्या पढ़ाया था मैंने आपको, मेरुरज्जु पढ़ाया था। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले परिधीय तंत्रिका तंत्र के बारे में। कल मैंने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को कंप्लीट करवा दिया था, आज हम पढ़ेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता क्या है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये होता क्या है। तो जो परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है, यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं यानी कि उनका एक समूह होता है। तो यह होता क्या है, यह मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से निकलने वाली जो तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है यानी कि तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, तंत्रिकाएं, तो क्या होता है, उनका समूह होता है। क्या होता है, उनका यह समूह होता है। ओके, और इसे परिधीय तंत्रिका तंत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बाहर कार्य करता है। कहां पर, केंद्रीय जो तंत्रिका तंत्र होता है उसके बाहर कार्य करता है, बाहर कार्य करता है, इसलिए इसका नाम क्या है, परिधीय तंत्र। क्या है, परिधीय तंत्र यानी कि परिधीय तंत्र का तंत्र। एवं यह कार्य क्या करता है, इसके कार्य देखते हैं। यह जो संदेश होते हैं यानी कि जो मैसेज होते हैं, जो सिग्नल्स होते हैं, जो सूचनाएं होती हैं, यह संदेशों को जो केंद्रीय तंत्र का तंत्र होता है, केंद्रीय तंत्र का तंत्र यानी कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, केंद्रीय तंत्र का तंत्र तक पहुंचाने का कार्य करता है, पहुंचाने एवं उनसे संदेश प्राप्त करने का कार्य करता है। इसका मतलब हुआ, जो परिधीय तंत्र का तंत्र होता है वो केंद्रीय तंत्र का तंत्र में संदेशों को ले जाता है एवं संदेशों को वापस भी लाने का कार्य करता है। ओके, समझ में आ गया, ठीक है ना। अब परिधीय तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, दो भागों में बांटा गया है। एक भाग होता है कायिक तंत्रिका तंत्र, कायिक तंत्रिका तंत्र, और दूसरा भाग होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। कायिक तंत्रिका तंत्र को इंग्लिश में कहा जाता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, एवं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को इंग्लिश में कहा जाता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो अब हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि कायिक तंत्रिका तंत्र क्या होता है और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या होता है। ओके, समझ में आ गया। तो मैं एक काम करता हूं, मैं ये मिटा देता हूं, ठीक है, और इन दोनों को एक साथ आपको पढ़ा देता हूं, ठीक है। ओके, तो अब देखते हैं जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है उसका एक भाग है कायिक तंत्रिका तंत्र, कायक तंत्र का तंत्र।
इसको इंग्लिश में बोलते हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कायिक तंत्रिका तंत्र के बारे में कि कायिक तंत्रिका तंत्र होता है ये होता क्या है। तो अब देखते हैं कि कायिक तंत्रिका तंत्र होता है वो कार्य क्या करता है। तो कायिक तंत्रिका तंत्र होता है वो हमारे शरीर की जो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है, उन ऐच्छिक क्रियाओं के संपादन में सहायता प्रदान करता है। इसके साथ ही जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है वो इसी तंत्रिका तंत्र के सहारे यानी कि कायिक तंत्रिका तंत्र के सहारे ही जो बाह्य उत्तेजना होती है उन पर प्रतिक्रिया देता है एवं मांसपेशियों के कार्य को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो मैं आपको लिखवा देता हूं, यह शरीर की ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, क्रियाएं ऐच्छिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जिनको हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं। तो ऐच्छिक क्रियाओं के संपादन में यानी कि उनको संपन्न करने में क्या करता है, मदद करता है यानी कि सहायता प्रदान करता है। ठीक है, मदद करता है, मदद करता है, ओके। एवं जो केंद्रीय तंत्र का तंत्र होता है, केंद्रीय तंत्र का तंत्र होता है, केंद्रीय तंत्र का तंत्र इसी तंत्र के सहारे, इसी तंत्र के सहारे यानी कि इसी की मदद से सारे जो बाह्य उत्तेजना होती हैं, जो एक्साइटमेंट होते हैं एक्सटर्नल बाह्य उत्तेजनाओं पर क्या देता है, प्रतिक्रिया देता है, प्रतिक्रिया देता है। एवं जो मांसपेशियां होती हैं, मांसपेशियों के कार्यों को क्या करता है, कार्यों को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है, ओके। तो कायिक तंत्रिका तंत्र का यही कार्य होता है कि ये ऐच्छिक क्रियाओं को संपादन करने में क्या करता है, मदद करता है। एवं केंद्रीय जो तंत्रिका तंत्र होता है इसी तंत्र के सहारे बाह्य उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया देता है एवं जो मांसपेशियों के कार्यों क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, अब जो दूसरा तंत्रिका तंत्र है जो पर्जीय तंत्रिका तंत्र के अंदर आता है वो होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोनोमस, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। अब यह होता क्या है, तो यह जो तंत्रिका तंत्र होता है, यह तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका के, तंत्रिका के ऐसे समूह की एक श्रृंखला होती है, श्रृंखला होती है जिससे जो सभी अंग होते हैं हमारे शरीर के, सभी अंगों के जो तंत्रिका तंतु होते हैं, तंत्रिका तंतु इनको बोलते हैं नर्व्स, जो फाइबर होते हैं जुड़े रहते हैं, यानी कि यह तंत्रिका के समूह की एक ऐसी श्रृंखला होती है जिससे विभिन्न अंग होते हैं उन अंगों के जो तंत्रिका तंतु यानी कि जो नर्व फाइबर होते हैं वो जुड़े रहते हैं। ठीक है, और उसी श्रृंखला को क्या कहते हैं, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहा जाता है यानी कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कहा जाता है। और यह क्या कार्य करता है, यह जो अनैच्छिक अंग होते हैं, अनैच्छिक क्रिया वाले अंग होते हैं, क्रिया वाले अंग, इसका मतलब होता है ऐसे अंग, ऐसे अंग जो हमारी इच्छा से नहीं, हमारी इच्छा से नहीं स्वतः कार्य करते हैं, स्वतः कार्य करते हैं। ठीक है, तो उन अंगों को कहा जाता है अनैच्छिक क्रिया वाले अंग। ठीक है, तो यह अनैच्छिक क्रिया वाले अंगों के कार्यों के संपादन में मदद करता है, क्रियाओं वाले अंगों के कार्यों के संपादन में मदद करता है। ठीक है, तो ऐसे जो अनैच्छिक क्रिया वाले अंग कौन कौन से होते हैं, जो हमारी इच्छा से नहीं स्वतः काम करते हैं, जैसे हृदय है, तो हृदय धड़कता है, ठीक है, वो स्वतः धड़कता है, उस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके साथ जो फेफड़े होते हैं, फेफड़े जो श्वसन क्रिया करते हैं वो स्वतः होती है, ठीक है, फेफड़े
इसके साथ जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां, ठीक है, वो भी अपने इच्छा के अनुसार ही कार्य करती हैं, उनको हम नियंत्रित नहीं कर सकते। तो यह जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है, ऐसे अंग जो अनैच्छिक क्रिया वाले कार्य करते हैं, तो उन अंगों के कार्य के संचालन में ये क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। तो ऐसे अंग कौन कौन से हो गए, हृदय होता है जो खुद ही धड़कता है, फेफड़े हैं खुद ही श्वास लेते हैं, इसी प्रकार से जो अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं वो अपने अनुसार हुई हार्मोन्स का श्रावण करती हैं, ओके। तो इन्हीं सभी को नियंत्रित करने का कार्य करता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, यानी कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ओके। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब जो ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है, इसको दो भागों में इसको बांटा गया है, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे भाग होते हैं, पहला तो होता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। और दूसरा होता है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, इसको बोलते हैं पैरा सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये अनुकंपी और परानुकंपी जो तंत्रिका तंत्र होते हैं, ये क्या कार्य करते हैं, मैंने आपको बताया था जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है वो अनैच्छिक क्रिया वाले तंत्रों के कार्यों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो इसके दो भाग होते हैं अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तो ये भी इन्हीं अंगों के कार्यों को संपादन में मदद करेंगे, यानी कि जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र होता है ये क्या कार्य करता है, तो यह उत्तेजना की स्थिति में कार्य करता है, किसकी स्थिति में, उत्तेजना, यानी कि यह हमारे शरीर को एक्साइट करने का कार्य करता है, यानी कि उत्तेजित करने का कार्य करता है। उसी प्रकार जो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र होता है वो इसके जस्ट विपरीत होता है, इसके अपोजिट होता है, यह विश्राम अवस्था में कार्य करता है, विश्राम अवस्था, यानी कि जो रेस्ट वाली पोजिशन होती है, रेस्ट वाली पोजीशन में हमारी बॉडी को लाने का जो कार्य किया जाता है वो इस परानुकंपी तंत्रिका तंत्र यानी कि पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब ये उत्तेजना की अवस्था और विश्राम की अवस्था होती क्या है, इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपको मैंने पढ़ा दिया, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये मैं मिटा देता हूँ, इसके बाद में मैं इन दोनों को आपको बताता हूँ, ठीक है। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के दो भाग हो गए, एक तो हो गया अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, इसको कहा जाता है सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। इन दोनों को मैं आपको डिफरेंस बताता हूं, इन दोनों का अंतर बताते हुए, ठीक है, इनके बारे में बताता हूं। और दूसरा होता है परानुकंपी, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, इनको बोलते हैं पैरा सिंपेथेटिक, सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो इन दोनों नर्वस सिस्टमों में अंतर देखेंगे और इनके बारे में जानेंगे कि ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के भाग तो होते हैं लेकिन इनका कार्य क्या होता है, ओके। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है वो अनैच्छिक अंगों के जो अनैच्छिक कार्य करने वाले जो अंग होते हैं उनको नियंत्रित करने का कार्य करता है, ठीक है। तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र होता है यह उत्तेजना, यानी कि किसी व्यक्ति की उत्तेजना को नियंत्रित करता है, किसकी उत्तेजना को क्या करता है, नियंत्रित करता है, यानी कि उत्तेजना की अवस्था में यह कार्य करता है, यानी कि यह व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था में कार्य करता है, किसमें, उत्तेजित अवस्था, ठीक है, उत्तेजित अवस्था में कार्य करता है। और जो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र होता है यह विराम अवस्था, विराम अवस्था, यह इसका बिल्कुल कैसा होता है, उल्टा होता है, विराम अवस्था में लाने का कार्य करता है, कार्य करता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि जो व्यक्ति की उत्तेजना को नियंत्रित करने का कार्य करता है, व्यक्ति उत्तेजित कब होता है, जब उसकी कोई इमरजेंसी आती है, यानी कि उत्तेजना का मतलब है जैसे कि गुस्सा आना, ठीक है, किसी से लड़ाई झगड़ा करना, उससे बचना, तो बहुत सारे जो फैक्टर होते हैं वो उत्तेजना यानी कि एक्साइटमेंट के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो उत्तेजना की अवस्था में हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यह जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र होता है यह आपातकालीन परिस्थितियों में कार्य करता है, किसमें, आपातकालीन परिस्थितियों में, परिस्थितियों में क्या करता है, कार्य करता है। और यह क्या कार्य करता है, यह शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है, क्या,
अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है, अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है, अतिरिक्त ऊर्जा को प्रदान करता है। उसी प्रकार से जो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र होता है, यह शरीर को ब्राह्म अवस्था में लाने का कार्य करता है। तो यह ब्राह्म अवस्था में लाएगा तो यह क्या करेगा, यह ऊर्जा का संचय करने का कार्य करता है, ऊर्जा का संचय करने का कार्य करता है, संचय यानी कि स्टोर करता है, ठीक है, यह ऊर्जा को स्टोर करता है, संचय करने का कार्य करता है, ठीक है। तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र में तो ऊर्जा को यूज में आती है यानी कि खत्म होती है, खर्च हो जाती है, ठीक है। और जो परानुकंपी जो तंत्रिका तंत्र होता है उसमें ऊर्जा का स्टोर होता है यानी कि एनर्जी स्टोर रहती है, एनर्जी का संचय होता है। ओके, समझ में आ गया। तो जब आपातकालीन परिस्थितियों में यह कार्य करता है, तो आपातकालीन परिस्थितियों में होता क्या है, यानी कि जब हमारा शरीर एक्साइटमेंट की पोजिशन में आ जाता है तो यह जो हृदय की धड़कन क्या करता है, बढ़ा देता है। तो हृदय की धड़कन को बढ़ाता है यानी कि हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, ठीक है। और क्या होता है, इसके साथ ही जो श्वसन दर होती है, श्वसन दर वो भी क्या है, बढ़ जाती है। तो श्वसन दर का भी बढ़ना इसमें आता है, श्वसन दर को बोलते हैं रेस्पायरेशन रेट, ठीक है। और हृदय की धड़कन बोलते हैं हार्ट बीट यानी कि पल्स रेट, इसको मैं PR और इसको RR से डिनोट कर रहा हूँ। ओके, समझ में आ गया। और इसके साथ ही यह जो पाचन शक्ति होती है हमारी, पाचन शक्ति होती है यानी क्या, शरीर में जो पाचन होता है, जो पाचन की जो दर होती है वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, कम हो जाती है, दर है वो कम हो जाती है। यानी कि इसके द्वारा जो हृदय की धड़कन है वो बढ़ जाएगी, एवं इसके साथ श्वसन की दर है वो भी बढ़ जाएगी, लेकिन जो पाचन की जो गति होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, इसमें कम हो जाती है। और जस्ट इसमें उल्टा होता है, जो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र होता है इसमें जो हृदय की धड़कन होती है, हृदय की धड़कन, क्योंकि ये शरीर को जब ब्राह्म अवस्था में लाने का कार्य करता है, तो हमारी ब्राह्म अवस्था में यानी कि नॉर्मल कंडीशन में हृदय की धड़कन कैसी हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो इसमें हृदय की धड़कन कैसे हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। और इसके साथ ही इसमें जो श्वसन दर होती है, श्वसन दर वो भी कैसे हो जाती है, कम हो जाती है। और जो पाचन होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो पाचन होता है, बढ़ जाता है, इसका मतलब तो पाचक रस होते हैं, पाचक रस एवं जो लार होती है, ये दोनों क्या करते हैं, पाचन में मदद करते हैं। तो इनका स्राव होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, इनका स्राव बढ़ जाता है, ठीक है। तो इनमें जो प्रमुख अंतर है वो यही है कि अनुकंपी तंत्रिका तंत्र होता है, ये हमारे शरीर को उत्तेजित अवस्था में लाने का कार्य करता है, यानी कि उत्तेजित अवस्था एक्साइटमेंट की स्थिति में क्या होगा, हमारी हार्ट बीट है वो बढ़ जाएगी, इसी के साथ जो रेस्पायरेशन रेट होती है, श्वसन दर होती है वो भी बढ़ जाती है, और इसके अपोजिट में पाचन की क्रिया होती है वो थोड़ी कम पड़ जाती है। ओके, और जो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र होता है वो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के बिल्कुल कैसा रहता है, अपोजिट रहता है, यानी कि पूरी तरह से विपरीत रहता है। इसमें क्या होता है, शरीर को ब्राह्म अवस्था में लाने का कार्य करता है। जब शरीर ब्राह्म अवस्था में आएगा तो जो हमारे हृदय की धड़कन है वो भी कमजोर हो जाएगी, इसी के साथ जो श्वसन दर होती है वो भी हमारी कमजोर हो जाएगी, और जो पाचन की शक्तियां होती हैं, जो पाचन तंत्र जो कार्य करता है उसकी जो गति होती है वो बढ़ जाती है, इसके लिए जो पाचक रस एवं लार का स्राव क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये इनमें प्रमुख अंतर है। और इसी के साथ ही जो आपका परिधीय तंत्र का तंत्र है वो पूरा कंप्लीट हो गया है, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। हमने कल की क्लास में सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि केंद्रीय तंत्र का तंत्र को कंप्लीट किया था, आज की क्लास में परिधीय तंत्र का तंत्र को कंप्लीट किया था, पूरा किया था। ओके, तो कल मैं आपको तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन्स के बारे में बताऊंगा कि तंत्रिका कोशिका होती क्या है। मैंने आपको बताया था जो तंत्रिका कोशिका होती है वो तंत्रिका तंत्र की मूलभूत इकाई होती है, यानी कि वो क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है, और इन्हीं के कारण ही तंत्रिका तंत्र है वो कार्य करता है। समझ में आ गया। ओके, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी दबा लो ताकि आपको चैनल से रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन होती है वो आपको मिल जाती है। ओके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि और जो बच्चे हमारी चैनल तक अभी तक नहीं पहुँच पाए, जो अभी घर बैठकर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हमारे चैनल के साथ जुड़ेंगे और साथ में रेगुलर वो क्लास को अटेंड करेंगे तो उनकी पढ़ाई है वो नियमित रूप से आराम से कंप्लीट हो पाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए,
और घर पे बैठ के आराम से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, ताकि जब मैं आपका टेस्ट लूँगा तो आपको सब कुछ आना चाहिए कि मैंने जहाँ तक पढ़ा दिया है वो आपको अच्छे से आना चाहिए, ताकि आपकी जो टेस्ट में जो परफॉर्मेंस है, आपकी स्थिति है वो अच्छी बनी रहे, आप 10 में से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाए। मैं तो मानता हूँ कि आपको 10 में से 10 के 10 क्वेश्चन आने चाहिए। ओके, ठीक है ना, तो मिलते हैं कल आपसे नेक्स्ट क्लास में।